Hello? Mrs. Cobine, this is the police, ma'am. You need to listen to me. We have your house surrounded. What? Keep your lights off and stay where you are. हम लोग एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां फोन के बिना अब लाइफ अधूरी सी लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब की जिंदगी अपने फोन के अराउंड रिवॉल्व करने लगी है। अब सिंस फोन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, तो मूवी मेकर्स इसको इग्नोर कैसे कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आप सबके सामने 10 ऐसी मूवीज लेकर आया हूं जिसका स्टोरी टेलीफोन या फिर मोबाइल फोन के अराउंड रिवॉल्व करता है। अब चाहे वो सस्पेंस हो या ड्रामा हो या हॉरर, लेकिन ऐसा प्लॉट हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है। एंड आई एम प्राउड इनफ टू से कि इस लिस्ट में बॉलीवुड के भी दो मूवीज हैं जिनमें से एक मूवी तो टॉप 3 में प्लेस्ड है। एंड आगे बढ़ने से पहले मेरा बस एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, अगर आपको मेरे ये रिकमेंडेशंस अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो बिना किसी देरी के आज का टॉप 10 फोन कॉल बेस्ड मूवीज को स्टार्ट करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। नंबर 10 पे है 2008 की हॉरर मिस्ट्री वन मिस्ड कॉल। इमेजिन कीजिए आपको अचानक एक ऐसा वॉइस मेल आए जिसमें आप खुद की ही आवाज सुन रहे हो, और वो भी ठीक मरने से पहले वाला कॉल, तो आपको कैसा लगेगा? आपका तो पता नहीं, लेकिन भाई मेरी तो फट जाएगी। और ऐसा ही कुछ होता है इस मूवी में, जिसको देखकर आप अपने वॉइसमेल्स को एक बार सुनने से पहले हजार बार सोच में पड़ जाएंगे। ये 1.5 घंटे की चौंका देने वाली हॉरर मिस्ट्री मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। नंबर 9 पे है 2016 की डोंट हैंग अप, जो कि एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जहां एक फोन प्रैंक बहुत भारी पड़ जाता है दो दोस्त के लिए। सैम एंड ग्रेडी लोगों को फोन करके उनको प्रैंक करते हैं, जब एक दिन उनको ही एक ऐसा कॉल आता है जो उन दोनों के लिए जिंदगी और मौत का सीन क्रिएट हो जाता है, जहां रूल सिर्फ एक है और वो ये है कि चाहे कुछ भी हो जाए डोंट हैंग अप। Look, I don't know who the hell you are, but this has gone on long enough, right? I'm hanging up for good. Go ahead. But be prepared to reap the consequences. ये मूवी बहुत ही underrated है, जिसका स्क्रीनप्ले एंड बैकग्राउंड आपको लिटरली एज ऑफ द सीट पे रखेगा। और वैसे इस मूवी को देख के ये लगता है कि रेडियो पे मुर्गा बनाने वाले लोग अगर इस मूवी को देख लिए तो उसके बाद वो लोग प्रैंक करना छोड़ देंगे। और इस मूवी को आप YouTube पे बाय रेंट करके देख सकते हैं। नंबर 8 पे है 2010 की फरहान अख्तर एंड दीपिका पादुकोण स्टारर कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। मूवी में कार्तिक एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड और इंट्रोवर्ट किस्म का इंसान है, जो लाइफ में हमेशा परेशानी ही झेला है। लेकिन ये सब कुछ बदल जाता है जब कार्तिक को मिस्टीरियस कॉल्स आने लगते हैं डेली, और फिर वो एक कॉन्फिडेंट इंसान बन जाता है, और इनफैक्ट इतना कॉन्फिडेंट कि उससे दीपिका जैसी लड़की भी पड़ जाती है। इस मिस्ट्री थ्रिलर का असली स्टार है फरहान अख्तर, जिनका पावरफुल एक्टिंग स्टोरी में और भी मिस्ट्री ऐड कर देता है, और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। नंबर 7 पे है 2004 की कैप्टन अमेरिका क्रिस एवंस एंड जेसन स्टैटम स्टारर सेल्यूलर। ये क्राइम थ्रिलर मूवी भी बहुत ही अंडररेटेड है, जहां क्रिस एवंस को एक रैंडम कॉल आता है एक ऐसी लड़की का जो किडनैप्ड है। अब प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की यानी किम बैसिंगर फोन रीडायल नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक टूटे हुए फोन से किसी तरह कॉल कर रही है, और क्रिस एवंस का फोन अगर डिस्कनेक्ट हुआ, जो एक्चुअली एक बार होने ही वाला था, तो वो किम को बचा नहीं पाएगा। ऑलमोस्ट पूरे मूवी में ये दोनों एक दूसरे से फोन पे कनेक्टेड रहते हैं, और क्या क्या सीन्स क्रिएट होता है उसमें आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये जबरदस्त मूवी आप YouTube पे बाय रेंट करके देख सकते हैं। नंबर 6 पे है 2002 की जबरदस्त थ्रिलर फोन बूथ, जिसका हिंदी रीमेक भी बना था नॉक्ड आउट के नाम से, स्टारिंग संजय दत्त एंड लेट इरफान खान। एक फोन बूथ पे अचानक घंटी बजता है, और जब हीरो फोन उठाता है तो सामने वाला उसको बोलता है कि अगर उसने फोन डिस्कनेक्ट किया तो उसको गोली मार दिया जाएगा, क्योंकि स्नाइपर ऑलरेडी उस पे पॉइंटेड है। ये मूवी मिनट मिनट में आपको सरप्राइज करता रहेगा और थ्रू आउट एंटरटेन करता रहेगा। इनफैक्ट टू बी ऑनेस्ट, इसका बॉलीवुड वर्जन भी बहुत जबरदस्त है। दोनों ही मूवी का स्क्रीन प्ले बहुत ही वेल रिटन है, जो ऑडियंस को कंटिन्यूसली एंगेज करके रखता है कि आखिर इसका क्लाइमैक्स में क्या होगा। और ये मूवी आप YouTube पे बाय रन करके देख सकते हैं। नंबर 5 पे है 2013 की हैली बेरी स्टार द कॉल, जो 1.5 घंटे की एक फास्ट पेस्ड एज ऑफ द सीट क्राइम थ्रिलर मूवी है। एक 911 फोन ऑपरेटर, जिसका काम है इमरजेंसी कॉल्स रिसीव करना, उसके एक गलती की वजह से एक लड़की की जान चली जाती है, और फिर उस ऑपरेटर को दोबारा मौका मिलता है उस सीरियल किलर को पकड़ने का, जब उसे दूसरी लड़की का कॉल आता है जो किडनैप्ड है और उसी सीरियल किलर के गाड़ी के डिक्की में बंद है। अब हैली फोन के ही थ्रू उस लड़की को गाइड करती है अपने आप को बचाने के लिए, और भाई क्या गाइड करती है वो, आप इस मूवी को देखकर हैली बेरी के फैन हो जाएंगे। मूवी में हैली बेरी का परफॉर्मेंस बवाल है भाई, बवाल। जो इमोशंस उनके चेहरे पे दिखता है, ओहो दैट वाज टू गुड।
टू गुड। प्लस मूवी का स्क्रीन प्ले इतना फास्ट है कि आपको समझ ही नहीं आता कि मूवी कब खत्म हो गई। आप इतना घुस जाएंगे उस मूवी में। और ये मूवी आप यूट्यूब पे बाय या रेंट करके देख सकते हैं। नंबर 4 पे है 2010 की रायन रेनॉल्ड्स स्टार बर्ड, जहां पूरा मूवी एक कॉफिन के अंदर शूट किया गया है। ये डेडपूल स्टार अपनी आंखें 6 फीट जमीन के अंदर एक कॉफिन में खोलता है, जहां उसके पास सिर्फ एक लाइटर है और एक फोन। अब वो उस फोन से पुलिस को कॉल करता है और थ्रू आउट समझाता रहता है कि वो कैसे उस सिचुएशन में फंस गया। और कमाल की बात यह है कि रायन रेनॉल्ड्स को पता ही नहीं कि वो कहाँ है, तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि वो पुलिस को कैसे गाइड करेगा। आपको सुनने में लगेगा कि ये मूवी बहुत स्लो होगी, लेकिन यू विल बी सरप्राइज्ड कि कैसे आप इस मूवी में खो जाएंगे। इस मूवी का स्क्रीन प्ले इतना अच्छे से लिखा गया है कि पब्लिक को बोर होने का मौका भी नहीं मिलता। इनफैक्ट मैं ऐसे ही थीम के ऊपर एक लिस्ट बना चुका हूँ, जहाँ लोग एक ही जगह पे फंसे हुए हैं, इन शॉर्ट आइसोलेटेड एरियाज में फंसे हुए हैं। अगर आपको ऐसे ही आइसोलेटेड टाइप मूवीज भी पसंद है तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, और उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस मूवी को आप यूट्यूब पे बाय रन करके देख सकते हैं। नंबर 3 पे है 2011 की हॉरर थ्रिलर द कॉलर, जिसका कंसेप्ट बहुत ही जबरदस्त है, और उसी कंसेप्ट की वजह से ये मूवी नंबर 3 पे रैंक्ड है। मूवी में मैरी एक नए घर में शिफ्ट करती है, जब अचानक उसे एक फोन कॉल आता है, और फोन की दूसरी तरफ एक ओल्ड लेडी है जिसका नाम है रोज, और वो एक आदमी को ढूंढ रही है जो उसको चीट किया था। लेकिन मैरी ऐसे किसी आदमी को जानती नहीं है, इसलिए वो फोन कट कर देती है रॉन्ग नंबर बोलकर। लेकिन रोज का फोन फिर भी आता रहता है, और फिर अचानक धीरे धीरे उसे पता चलता है कि रोज एक्चुअली पास्ट से कॉल कर रही है। मूवी धीरे धीरे एक हॉरर टर्न लेता है जो आपको कंटिन्यूसली सरप्राइज करता रहेगा, और ये मूवी आपको Amazon Prime पे मिल जाएगी। नंबर 2 पे 2008 की नसीरुद्दीन शाह एंड अनुपम खेर स्टारर अ वेडनेसडे, एंड आई एम श्योर आप सबको पता होगा कि इसमें कैसे एक फोन कॉल पूरे मुंबई को हिला के रख दिया था। मूवी के डायलॉग के हिसाब से प्लॉट बोला जाए तो एक आम आदमी की सटक किया गई कि वो सबको रोक ही नहीं रहा है, बल्कि सबको ठोक भी रहा है। इस लेजेंडरी मूवी के फोन कॉल सीन्स लोग आज भी देखते हैं, और इनफैक्ट मेरे चैनल का नाम तक इस मूवी से इंस्पायर्ड है। Yes, they asked us this question on a Friday. Repeated it on Tuesday. I'm just replying on Wednesday. सुरदीन शाह और अनुपम खेर का परफॉर्मेंस इस मूवी में उनका करियर का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा रोल कोई दूसरा एक्टर प्ले भी कर पाता। और ये जबरदस्त मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी। एंड गाइज, नंबर 1 पे जाने से पहले अगर आपको मेरा ये रिकमेंडेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड इस चैनल पे आपको ऐसे ही जबरदस्त थीम रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। और अगर आप मेरे ही तरह एक डाई हार्ड मूवी फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपका एक क्लिक सब्सक्राइब बटन पे मुझे और भी मोटिवेट करता है आप सबके लिए जबरदस्त से जबरदस्त मूवीज सामने लाकर रखने का। तो गाइस, नंबर 1 पे है 2020 की कोरियन थ्रिलर द कॉल, जो एक्चुअली एक रीमेक है इस लिस्ट की नंबर 3 की मूवी द कॉलर का। इस मूवी में भी एक लड़की को पास्ट से कॉल आता है और दोनों एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे पास्ट में किए गए चेंजेस की वजह से फ्यूचर चेंज होने लगता है। ये मूवी द कॉलर से बहुत ही ज्यादा बेटर है, बहुत ही ज्यादा बेटर है। और आपको पता ही है कि कोरियन मूवीज थ्रिलर्स में कितने बड़े एक्सपर्ट हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस मूवी का लेवल क्या होगा। कॉलर मूवी का प्लॉट छोड़कर बाकी सब कुछ डिफरेंट है इस मूवी में, एंड आई गारंटी आप इस मूवी के फैन हो जाएंगे। इस मूवी का स्क्रीन प्ले, इसका बैकग्राउंड स्कोर, एक्टर्स का परफॉर्मेंस, सब कुछ टॉप नॉच है, एंड आई एम श्योर कि आपका होश उड़ जाएगा इस मूवी को देखने के बाद। और ये होश उड़ा देने वाली मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे मिल जाएगी, और मैं आपको इसी चैनल पे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। बस आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना मत भूलिएगा, एंड बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। और हाँ, आपको ये पूरा लिस्ट मेरे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर आईडी पे मिल जाएगा, इसलिए अब आपसे वही मुलाकात होगी या फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।